सो फाइनली गाइज आज की वीडियो में सकली बात करने वाला हूँ वीवो Y33T मोबाइल के बारे में। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि इसमें डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएंगे। जेंट्स को अगर क्या इस मोबाइल में डिस्प्ले पर अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना तो एकदम सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। तो कैसे लगाना होगा चलिए इस वीडियो में बता देता हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो गाइस उसको करने के लिए हमें मोबाइल के सेटिंग में आना होगा। तो मैं आ जाता हूँ अपने मोबाइल के सेटिंग में। अब सेटिंग में आएंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिलता है तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको ऊपर मिलेगा सिक्योरिटी स्टेटस मिलेगा एंड नीचे मिलता है आपको डिवाइस सिक्योरिटी। डिवाइस सिक्योरिटी में आपको चार ऑप्शन मिलेंगी, पहले दिया स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट, फेस एंड स्मार्ट लॉक। तो आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट पर क्लिक कर देना। अगर आपने पहले से स्क्रीन लॉक नहीं लगाया तो सबसे पहले आप स्क्रीन लॉक को ऐड कर लीजिएगा फिर फिंगरप्रिंट को लगाइएगा। तो मैं यहाँ से स्क्रीन लॉक को पहले से अपना पैटर्न वाला लगा चुका हूँ, यहाँ से मैं चलिए फिंगरप्रिंट पर आप क्लिक कर देता हूँ। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ से पैटर्न हो या पिन हो या कोई भी हो आप इसको ऑन कर लीजिएगा अपने स्क्रीन लॉक को। तो मैं ऐसे ऑन कर लेता हूँ। ऑन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेटअप योर फिंगरप्रिंट, तो आपको यहाँ पर स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर जो भी मतलब जो हमारा आइकन दिख रहा है इसको आपको फुल करना है। चलिए मैं इसको फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेस योर फिंगर, तो मैं इस स्थान पर इसको पूरा फिल कर लेता हूँ। तो आप भी इसको पूरा फिल कर लीजिएगा। सो गाइज मैंने इसको देख यहाँ पर फिल के लिए, फिल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है फिंगरप्रिंट एडेड। मैं यहाँ पर मेरे मोबाइल में फिंगरप्रिंट ऐड हो चुका है। अब आपको डन कर देना है। डन करेंगे तो आप इस तरीके का इंटरफेस में आ जाएंगे। इंटरफेस में आएंगे तो आपको ऊपर मिलेगा यूज फिंगरप्रिंट फॉर, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर अनलॉक हो चुका है, यहाँ पर अनलॉक को यहाँ पर ऑन हो चुका है। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा स्क्रीन लिस्ट, स्क्रीन लिस्ट में सॉरी फिंगरप्रिंट लिस्ट मिलेगा। फिंगरप्रिंट लिस्ट में आपको एक फिंगरप्रिंट यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसमें और चाहते हैं फिंगरप्रिंट को ऐड करना तो आप यहाँ से फिंगर ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करके यहाँ से और भी फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हैं। और अपने फिंगरप्रिंट को वेरीफाई भी करना चाहेंगे तो यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं, देख सकते हैं इसे यह ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप एकदम सिंपल तरीके से इसमें फिंगरप्रिंट सेटिंग को यूज कर सकते हैं। तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।